हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं अमर दी नॉर्डन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। ये मेरा पठानकोट सीरीज का तीसरा ब्लॉग है और गाइस मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की है मिनी गोवा से। और मिनी गोवा ये पठानकोट से 29 किलोमीटर के आसपास में ही है। मिनी गोवा जगह जो है ना पिकनिक के लिए, फैमिली पिकनिक के लिए एक नंबर प्लेस है। और जिन्होंने मेरा मिनी गोवा वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो देख सकते हैं, लिंक आई बटन में डाल दिया है मैंने, तो आई बटन पर क्लिक करिए और देखिए मिनी गोवा वाला ब्लॉग। मिनी गोवा वाले ब्लॉग में आपको मुक्तेश्वर धाम जो है पठानकोट के पास में वो भी मैंने दिखाया है, देख सकते हैं। सो गाइस, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बता दूँ आपको कि मैं जा रहा हूँ अटल सेतु। अटल सेतु जो है उत्तर भारत का पहला केबल ब्रिज है और देश का चौथा केबल ब्रिज है। ऐसे तीन और केबल ब्रिज हैं जो कि मुंबई में है, बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है वहाँ पर है, दूसरा जो है वो इलाहाबाद के नैनी में है और तीसरा जो है कलकत्ता की हुगली नदी पे बना हुआ है। और चौथा ये जो अटल सेतु है वो रावी नदी पे बना हुआ है। और अटल सेतु जो है वो 592 मीटर लंबा पुल है। और ये जो पुल बना था 24 दिसंबर 2015 को, जो पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे उन्होंने राष्ट्र को इसको सौंप दिया था। अटल सेतु जो है वो सोली और धनेरा के बीच में बना हुआ है और भारत के तीन राज्य जो हैं पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। अटल सेतु का जो डिस्टेंस है वो पठानकोट से है 54.5 किलोमीटर और जो मिनी गोवा से इसका डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर, जहाँ से मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत की है। तो चलते हैं गाइस। रोड पे थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, नहीं तो कुएं में जाके ऑलरेडी मेरे रिम में थोड़ा सा फर्क पड़ चुका है फ्रंट वाले में, और फिर से कहीं चला गया तो पता चला वैसे ही चला जाए, पूरी तरह ही चला जाएगा, फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा मेरे लिए ना। ओवरटेक कर लें? नहीं यार, आगे दिख नहीं रहा है, मोड़ है ना, ओवरटेक नहीं करूँगा मैं। कुछ भी करने का, असूलों के खिलाफ नहीं जाने का, है ना? सही बोला ना मैंने? मैं सही बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी गलत हो जाता हूँ गलती से। ये देखा, मैंने बोला ना कभी कभी गलत हो जाता हूँ गलती से। देखा, मैं ओवरटेक करने लगा था असूलों के खिलाफ जाके और गाड़ी आ गई सामने से। ये न्यू हिमालयन बाइकर्स, वाह मेरे राजा, हम भी किसी ग्रुप का कभी हिस्सा होंगे, अपनी भी हम गैंग बनाएंगे। एज ऑफ नाउ तो हम सोलो ही कर रहे हैं सारे काम, और बनेगा, टाइम टाइम की बात है, आज हम अकेले हैं, जब टाइम आएगा तो हम एक अपना ग्रुप होगा, अपनी टीम होगी जिसके साथ हम राइड किया करेंगे। जो न्यू हिमालयन है वो मैंने वीडियो में देखी थी, पर आज सामने से देख ली मैंने। मैं भी लूँगा कोई एडवेंचर बाइक, अभी देखते हैं, या तो 450 का भी पब्लिक को चलाने देते हैं, देखते हैं एक साल के बाद पब्लिक के क्या रिव्यू होते हैं इस बाइक के बारे में। नहीं तो KTM जो 390 है उसका 2025 में कोई एक नया वर्जन निकलने वाला है, नहीं तो वो देखेंगे। एज ऑफ नाउ KTM 390 फीचर्स के मामले में सही है, लुक के मामले में भी सही है, बट उसका जो लो एंड टोर्क है वो उतना सही नहीं है, तो उसके चलते मैं लेना नहीं चाहता। और हिमालयन का ना मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था रॉयल एनफील्ड के साथ में, मेरे पास भी रॉयल एनफील्ड हिमालयन थी पुराने वाली, तो उस सर्विस का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। ये लोग ना सर्विस ढंग से नहीं करते हैं बहुत, रॉयल एनफील्ड के ड्यूरेबिलिटी ऑफ पार्ट सही नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा रॉयल एनफील्ड के साथ में, मैं इसलिए जल्दी से हिमालयन 450 की तरफ प्रेफर नहीं करूँगा जाना। हम भी कुछ खाएँगे, दोपहर का समय हो चुका है, कुछ पेट में जाना चाहिए, तो देखते हैं आगे चल के कहीं रुकेंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैप की तरफ भी नज़र डालता रहता हूँ, मैप क्या बोल रहा है, मैप बोल रहा है 18 किलोमीटर आप इसी रास्ते पे चलो और आप अवश्य अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। सही बोल रहा है भाई, ये भी यही करना पड़ेगा अभी मुझे। यहाँ खड़ी कर देते हैं हम अपनी बाइक, ये है 295 रेस्टोरेंट।
गाइस लंच कर लिया, अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। भाई साहब ने ढाबा ने जब गाना उसका रिलीज हुआ था ना 295 सिद्धू मूसे वाला का जो गाना था, उसके बाद इसको बनाया है उन्होंने। मुझे चाहिए थी चार्जिंग केबल, तो निकाल ही लेते हैं जब यहाँ से निकल सकती है तो। फ़ोन करना पड़ेगा चार्ज, दोनों साइड से निकल गई, वेरी नाइस। और सीट होगी गर्म, आय हाय हाय मज़ा आ गया, स्वाद आ गया सीट पे बैठ के। बहुत गर्म है, एक्सट्रीम गर्म है। यहाँ से है 14 किलोमीटर, 19 किलोमीटर बोल रहा था मैंने, 14 है। कार वाला चुपके से आया, मैंने बोला मेरे बगल में क्या आया। क्या दिखने लगा मुझे बगल में, और नहीं दे देता भाई तू एक बार। जिसने भी सोचा होगा भाई को क्यों डिस्टर्ब करना, चल रहा है अपनी चाल में। तो बस ओनली 4 किलोमीटर। राउंड मार गया तो हूँ, ब्रिज क्रॉस करूँगा और उस साइड से फिर वापस आ जाऊँगा मैं जाके। फोटो फाटो ले लिए, ब्रिज देख लिया, गर्मी काफ़ी है, चलते रहेंगे तभी शांति है, सारी चीज़ें हैं। तो ये है ये दूसरा पिलर जो मैंने बताया था। और उस साइड पे रुकूंगा जाके और वहाँ से फिर एक व्यू लेंगे ब्रिज का, फिर वापस आ जाएंगे। गर्मी बड़ी है, पानी पीऊँगा कहीं रुक के,
सो ये लो, ये क्रॉस कर दिया ब्रिज। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, सही ना? यहाँ से एक झलक दिखा देता हूँ मैं इसकी। यहाँ से बस बिल्कुल स्ट्रेट है, सभी है। BRO ने बनाया था, श्री मोहन पारकर जी ने इसका उद्घाटन किया था, कमीशन किया था अटल सेतु 24 दिसंबर 2015 को, जो लिखा हुआ है। यहाँ बैठते हैं भाई, थोड़ी देर ना रेस्ट भी हो जाएगी। और किसी का घर भी है, कुत्ता कत्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ये लगा दी अपनी बाइक हमने छाया में, अब पियेंगे पानी, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे आगे। हम बोल रहे हैं ना, हमें गर्मी लग रही है और मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ छाया में बैठ के पेड़ की। पर वो देखो वहाँ पे लोग खेतों में ना गेहूँ काट रहे हैं इतनी गर्मी में। भाई मेहनती हैं लोग, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। सो गाइस, रेस्ट कर ली मैंने यहाँ पे और अभी मैं निकल रहा हूँ वापस। और प्लान चेंज हो गया सारे, मुझे जाना था साफरखंडी फोर्ट, बट वो आज संडे है ना, वो बंद है। तो अभी मैंने अपना पूरा माइंड चेंज कर लिया, अब मैं निकल रहा हूँ सीधा पालमपुर के लिए। सो यहाँ से पालमपुर है 114 किलोमीटर, और 7 बजे के आसपास पालमपुर पहुँचूँगा, 8 बजे घर ही पहुँच जाऊँगा मैं। देखते हैं कौन से रास्ते से लेके जाता है मैप। अभी तेल अभी है पालमपुर के आसपास ही, मेरे को लग रहा है दिलवाने की ज़रूरत होगी। मैं पहुंच चुका हूं भवारना, और अभी मैं डलवाऊंगा तेल। तेल नहीं है, दो ही डंडे बचे हैं, और टायर की हवा भी चेक करवानी है। लग रहा है पीछे वाले टायर में हवा कम है, तो करवा लेते हैं। पेट्रोल पंप साथ में ही है। और देख लो भाई, मैं 3 घंटे में पहुंच गया पठानकोट से हिमाचल में। रास्ते की हालत ख़राब थी, वैसे ज़्यादा ख़राब था। डलवा लेते भाई तेल, डाल दो भाई, फुल कर दो। हवा अभी ठीक है, तेल भी डलवा लिया, शाम भी होने वाली है 46। मैंने सोचा था कि 7 o'clock तक घर पहुंच जाऊंगा, बट मैंने 15 मिनट यहीं लगा दिए। ऊपर बैटरी चेंज की कैमरा की, और बैटरी चेंज करने के बाद मैं तेल डलवाया। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं घर, और टोटल मुझे पड़ा ये 134 किलोमीटर अटल सेतु से घर तक का रास्ता। लगी गए 3.5 घंटे लग गए मुझे, बीच में थोड़ा सा रुका भी था मैं। अपनी बाइक से सामान वगैरह उतार दिया है, इसको कल वॉशिंग करूंगा। आज अपने उनमें करवाई थी, बहुत गंदी हो गई, उसी वास्ते से आया मैं तो। सो गाइस, इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आई होप इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और मिलूंगा आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।